ये हो गया, लेट्स कम टू आवर फज। 300 मिलीलीटर दूध है, सो ये 300 मिलीलीटर दूध आपने इसमें रखा। 100 ग्राम फीका अनसॉल्टेड मक्खन है और 350 ग्राम चीनी है। इतनी सारी चीनी डलती है, ये पकाइए इसको। 350 ग्राम चीनी पिसी हुई, 300 मिलीलीटर दूध, 100 ग्राम फीका अनसॉल्टेड मक्खन। ठीक है, अच्छा, वेनिला एसेंस है और दानेदार नमक है। और जो भी टॉपिंग्स आपको चाहिए, मैंने यहाँ टॉफीज ली हुई हैं। टॉफीज नहीं आती हैं, ये इक्लेयर्स जिनको कहते हैं, ये वो है। अखरोट है, चॉकलेट है, कोई डेकोरेशंस हैं, और इट्स दिस इज अ सीजन, सो आई एम गोइंग टू पुट रेड एंड ग्रीन स्प्रिंकल्स। किसी भी तरीके से आप फज को डेकोरेट कर दीजिए। फज को आपको उतना पकाना है जब तक थर्मामीटर पे 115 डिग्रीज ना हो जाए। ठीक है, अगर आप थर्मामीटर यूज करते हैं तो। मीनवाइल जिसमें आप सेट करेंगे फज को, उसको हम शाताज कुकिंग ऑयल के साथ इस डिश को या टिन को ग्रीस कर देंगे ताकि पीसेस काटने में आसानी हो। जो बेक हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी वो, ठीक है। फिर इसमें आप कोई भी फिलिंग करिए, जाली पे रख के उसको आप ठंडा करिएगा 1 घंटा 2 घंटे, फिर उसको फिल करिएगा किसी भी चीज़ के साथ। सुबह में सर्व करने हैं तो आप रात में भी बना सकते हैं। एयर टाइट डब्बे में बस रख दीजिएगा ताकि वो बिल्कुल भी फिलिंग के साथ नहीं रखिएगा, ठीक है। फिलिंग उस वक्त ही करिएगा जब सर्व कर रहे हो। चीनी दूध और मक्खन है ये। ये प्लेन वेनिला फज है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको चॉकलेट का बनाएं, आप इसके ऊपर सिर्फ चॉकलेट डालें, या आप जो भी करना है आपको, व्हाटएवर। ये सारा हो जाएगा फिर मैं चॉकलेट डालूंगी। दिस इज द वे यू मेक वेनिला फज। मैं इसको चॉकलेट डाल के, 100 ग्राम चॉकलेट है चॉप की हुई, मैं चॉकलेट डालूंगी, वेनिला एसेंस डालूंगी, दानेदार नमक डालूंगी। ये सारे टॉपिंग्स हैं। मक्खन पिघल जाए, इस तरह उबाल आ जाए, आप चॉकलेट डाल दीजिए। इसी की हीट में चॉकलेट पिघल जाएगी। अब इसको आप पकने दीजिएगा प्लीज। चॉकलेट है तो नीचे लग ना जाए, उसको चलाते रहिएगा। नट्स वगैरह अंदर डालने हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, एनी वे यू लाइक। बहुत ज़्यादा भी अगर आपने उसको पका लिया तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, ब्रिटल हो जाएगी फज आपकी। ये आपको चलाते रहना है और 20 से 25 मिनट से ज़्यादा प्रॉफिटर रोल्स अवन में 200 डिग्री पे और नहीं बेक करिएगा, ये काफ़ी है। बस हमारे नीचे वाली ट्रे तो हो गई है, आप लोग भी घर में ट्राई करिएगा, बनाइएगा। नॉट डिफिकल्ट टू मेक शू पेस्ट्री, बस थोड़ा सा टेक्निकल है, टेक्निक्स फॉलो करिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको आराम से शो में समझाया है। ये देखें, अच्छी तरह चॉकलेट अंदर पिघल गई है, मगर हमें इसको पकाना है। अच्छा जी, आपको इसको चलाते रहना है, ठीक है। चॉकलेट नीचे लग ना जाए, दूध नीचे लग ना जाए, और अगर बड़े पतीले में करेंगे डीप तो बेहतर रहेगा ताकि वो दूध ऊपर तक आएगा, तो यू कैन कीप स्टरिंग इट। ये तो मैंने बहुत कम कर दिया है कि दूध कहीं बह ना जाए। ये खुला पतीला मैंने इसलिए इस्तेमाल किया, आप लोग देख सकें स्क्रीन पर। घर में बनाएं तो आप कर सकते हैं। देखें, अभी ये बहुत पतला है, लेकिन याद रखिएगा बहुत ओवर कुक भी नहीं करिएगा। जब ये ठंडा होगा तो ये सेट होगा बैग। देखें, इतना आपने इसको पकाना है कि इस तरह हो जाए। फज हैज़ टू सेट, पतला नहीं रखिएगा, रिड्यूस हो जाएगा, दूध पकता जाएगा, चीनी मक्खन और चॉकलेट थी। अब हम इसमें क्या डालेंगे, दानेदार नमक और वेनिला एसेंस। चूल्हा बंद कर दीजिए, आप इसमें वेनिला एसेंस डालिए चुटकी भर, हाँ, दानेदार नमक एकदम चुटकी भर डालिए, और आप इसको ग्रीस किया हुआ, जो हमने शाताज कुकिंग ऑयल के साथ ये ग्रीस किया हुआ था, इसमें
अभी लगेगा कि ये सेट नहीं हुआ, ये बिल्कुल सेट नहीं हुआ, ये हो जाएगा, 2 से 3 घंटे इसको लगेंगे, बाहर रखिएगा बिल्कुल, जब ठंडा हो जाए फिर फ्रिज में रखिएगा प्लीज़। और अगर अच्छी सी बनाइए फज तो फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा ज़रा इसको हम बबलिंग स्टॉप हो जाएगी इसकी। अच्छा प्रॉफिट रोल्स दिखाइएगा प्लीज़, ये मैंने निकाल दिए, देखा आपने, इतने नाइस एंड लाइट हैं, रेडी हैं, इनको बस ठंडा होने दीजिएगा जाली पे। दूसरी ट्रे भी मैं निकाल दूंगी, बस 2 मिनट और। आपने देखा कितना छोटा छोटा मैंने उसको पाइप किया था, लेकिन कितने बड़े ये हो गए। अब आप पे डिपेंड करता है आपने इसमें क्या क्या डालना है। सो वी लैड सेट हो जाए इससे पहले, एक रो में हम ये टॉफीज डाल देते हैं। एवरी पीस में एक एक चीज आनी चाहिए ना, इस तरह है। अच्छा फिर आप इसमें अखरोट रख दीजिए, फिर आप चाहें तो इस तरह के स्प्रिंकल्स हैं वो कहीं स्प्रिंकल्स इस तरह के रख दीजिए। तो ये पीस आप काटेंगे तो इस पे से स्प्रिंकल्स निकलेंगे कोई से भी रंग के, और इस तरह के ग्रीन कर दीजिए थोड़ी तरफ, जस्ट एडिंग सम कलर टू इट बिकॉज बहुत चॉकलेट चॉकलेट लग रहा है। ठीक है फिर जब ये सेट हो जाएगा तब आप इसको काटेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या बनाया है फज।